छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा पूर्वी विद्युत संयंत्र के बंद हो चुके 50-50 मेगावाट की चार इकाइयों का कबाड़ 75 करोड़ में बिक गया। राष्ट्रीय स्तर पर जारी निविदा में रायपुर की फर्म ने सर्वाधिक बोली लगाकर स्क्रैप खरीदा है। खरीदी में 24 फर्मों ने दिलचस्पी दिखाई थी। हम आपको बता दें कि सोवियत संघ रूप के सहयोग से कोरबा पूर्व विद्युत गृह की 50-50 मेगावाट की चार इकाई 1965 से 1968 के बीच शुरू हुई थी। पुराना हो जाने की वजह से संयंत्र से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सका। चिमनी से निकलने वाले धुएं के साथ व्यापक पैमाने पर राख के कण हवा में फैल रहे थे। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करार दिया गया था। प्रबंधन ने एक और दो नंबर इकाई को सबसे पहले मार्च 2018 में बंद किया। सितंबर 2018 में बचे दो इकाइयों को बंद कर दिया गया। दो साल से बंद पड़े 50-50 मेगावाट संयंत्र का कबाड़ ई ऑक्शन के जरिए बेचा गया। अधिकारी ने बताया कि रायपुर की फर्म इंद्रमणि मिनरल्स ने स्क्रैप खरीदा है। हालांकि स्क्रैप के बेस्ट प्राइस क्या रखी गई थी खुलासा कंपनी की ओर से नहीं किया गया। कंपनी के सबसे पुराने कोरबा पूर्व संयंत्र में 120-120 मेगावाट की दो इकाई से बिजली का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में 85-90 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। दिसंबर के अंत तक दोनों यूनिट से बिजली उत्पादन बंद करने की तैयारी है। कंपनी का सबसे पुराना प्लांट अंतिम दौर पर है। पावर कंपनी के निदेशक एमडी बिजोरा ने बताया कि दिसंबर अंत तक संभवतः पावर प्लांट की दोनों इकाइयां बंद कर दिया जाएगा। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।